तो हेलो गाइस, मेरा नाम है मेंग, तो स्वागत है आपका हूं GD5 की वीडियो में। तो गाइस यार, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो लास्ट वाली वीडियो में हमने बलास के एरिया में अटैक करा था पूरी आर्मी के साथ, और अपने साथ भाई साहब था ट्रेवर। और देखो गाइस, बलास ने ना अपने को तो कुछ भी नहीं बोला है, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं प्रेसिडेंट की सपोर्ट में हूं और मिलिट्री का कर्नल अपने साथ ही रहता है। लेकिन इन्होंने गलती कर दी है, ट्रेवर के घर पर हमला कर दिया है। तो फिलहाल तो ट्रेवर का मेरे को कॉल आ गया था, तो ट्रेवर कह रहा है कि माइकल मेरे पास एक भी वेपन नहीं है, बस उसके पास एक नाइफ है और बलास के बंदों ने उसका घर घेर रखा है, तो जल्दी से मेरे घर पर आ जा। फिलहाल तो मैं जैसे तैसे ना गाड़ी लेकर के पहुंच गया हूं ट्रेवर के घर पर। अब जल्दी से ना मेरे को एक काम कर लेना होगा, यहां पर भाई ट्रेवर का घर इन्होंने हर तरफ से घेर रखा है और मेरे पास वेपन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर मैंने यहां से फाइट कर दिया तो ये लोग ना अंधाधुंध फायरिंग कर देंगे ट्रेवर के घर के ऊपर। और आपको पता है भाई, उसका घर भी कितना ज्यादा बेकार है, एक टीन के डब्बे में तो वो रहता है। और यहां पर ना हर तरफ बंदे खड़े हुए हैं, तो मेरे को ना कुछ दिमाग लगा लेना होगा यहां पर, क्योंकि ना इससे अच्छा कि अगर मैं यहां से फायरिंग करूं, मैं इनके क्लोज चलता हूँ। और यहाँ सबसे ज़्यादा कम सिक्योरिटी लग रही है मेरे को। देखो गाइस, इधर उधर तो बंदे खड़े हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कम बंदा एक ही खड़ा है गैराज के सामने। तो मैं एक काम करता हूँ, अपनी गाड़ी को ना थोड़ा सा ना यहाँ से आगे की साइड लेकर के चलता हूँ, और देखा जाएगा भाई, अगर किस्मत साथ रही तो पक्का हम लोग ट्रेवर को यहाँ से बचा करके ले चलेंगे। तो बिल्कुल ना, मैंने गाड़ी को ना बैक साइड तो पार्क कर दिया है, और एक तो लेस्टर की गाड़ी है भाई, थोड़ा सा ना चक्कर ही है। तो जल्दी से ना मैं भाग करके यहाँ से चलता हूँ। और फिलहाल तो ना बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी खड़ी है बलास की, उनमें दम नहीं है भाई कि मेरे को हाथ भी लगा दें। उन्हें पता है कि प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी और मिलिट्री का बंदा हमारे साथ रहता है, तो माइकल को छूना इम्पॉसिबल है। लेकिन ट्रेवर का उन्हें पता है भाई, ये वेकॉस में रहता है, तो शायद से इसके ऊपर हमला कर सकते हैं। तो फिलहाल ना मेरे को एक बंदा यहाँ पर नज़र आ रहा है, देखो इसके ना एक्स मारेंगे, क्योंकि ना गन मारूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक कमाल की वेबसाइट के बारे में बताना चाहता हूं, जिसका नाम है www.lotus365.com। lotus365 में आप लोग प्रिडिक्ट करके ढेर सारा पैसा अर्न कर सकते हो। क्रिकेट में कौन मैच जीतेगा, फुटबॉल में कौन सी टीम गोल करेगी, 200 प्लस और गेम खेल सकते हो, मतलब गोवा का मजा इनकी साइट पर। इसमें मैं जो गेम खेलता हूं उसका नाम है रॉलेट। बस आपको सिंपली बताना होता है कि जो बॉल घूम रहा है वो किस नंबर पर आके रुकेगा, या तो किस कलर पर रुकेगा, या तो ऑड नंबर पर रुकेगा, या तो इवन नंबर पर रुकेगा। सीरियसली मैंने इसे बहुत जबरदस्त कमाया है। और हाँ गाइस, लोटस 365 101% ट्रस्टेड और सेफ वेबसाइट है, जिसके ब्रांड एम्बेसडर हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी रावतेला, कीर्ति खरबंदा और काजल अग्रवाल हैं। और इनके इंस्टाग्राम lotus365world पर इन्हें जाकर के फॉलो करो, और सही में आप लोग भी हैरान हो जाओगे, इतने सेलिब्रिटी इनका प्रमोशन करते हैं। सबसे अच्छी चीज गाइस यहाँ पर ये है कि जो आपका विड्रो है वो दिन हो या रात हो 20 मिनट के अंदर ही होता है। अभी अकाउंट ओपन पे मिलेगा 365 का बोनस, अभी जाकर रजिस्टर करो www.lotus365.com पर। ओके तो गाइस, इस टाइम पर मैं आ गया हूं उधर, ट्रेवर का भी मैसेज आ गया है। तो ठीक है भाई, मैंने इसके एक एक्स मार के इसको मार दिया है, और गैराज को ओपन करते हैं जल्दी से। फिलहाल गाइस, गैराज हो चुका है यहाँ पर ओपन, और ये है एक डोर जो ट्रेवर के घर से कनेक्ट है, तो जल्दी से ना इसको अनलॉक करने की ट्राई करते हैं। और मेरे को लग रहा ना ये लॉक होगा, तो एक काम करता हूँ, पहले मैं ट्रेवर को एक कॉल कर देता हूँ, या तो मैसेज करते हैं कि भाई जल्दी से ना आ जा, भाई जल्दी जैसे तैसे बाहर निकल, बस उठा ले भाई। फाइनली गाइस, ट्रेवर से अपनी बात हो गई थी और ट्रेवर आ चुका है। और देखो गाइस, यहाँ पर कुछ बंदे आ गए हैं, इसका तो ध्यान अपने ऊपर नहीं पड़ा, क्योंकि ना ये थोड़ा साइड से आया था, तो अब मेरे को ना इसको मारना चाहिए। और चल निकल इधर से, उसके ऊपर ही लिटा दूंगा बेटा। और एक मिनट भाई, दिक्कत होगी, अब तो मेरे को मारना पड़ेगा पिस्टल से। इसके भी हेड बजा दिया दोनों के, और चल निकल इधर से। और ये आंटी आ रही है, इसके भी हेड मार दिए, कवर में रह के मारेंगे और फिर मारेंगे इन्हें। देख रहे गाइस, तुम्हारा भाई बहुत ज्यादा ही प्रो हो रहा है। ड्राइवर भाई कवर में है, उसको भी मैंने पिस्टल दे दिया। चल निकल इधर से भाई, क्या हेड मारा, लेकिन एक मिनट, अबे भाई ड्राइवर की एक आधी गोली लग गई है, और इसने वेस्ट डाल रखी है। और देख लो गाइस, वापस से ट्रेवर खड़ा हो गया। तो गाइस देख लो गाइस, ट्रेवर और मैं यहाँ पर फाइट कर रहे हैं। आप लोग भी फाइट करो लाइक के बटन से, जा करके जल्दी से ना 10,000 का लाइक एम कंप्लीट करवाओ, और सब्सक्राइब के बटन को तो पीट कर ही रख दो भाई, सब्सक्राइब कर दो सबके साथ। तो ठीक है गाइस, अब जल्दी से ना हमें अपनी गाड़ी तक पहुंच लेना चाहिए, और फिर हम लोग निकलते हैं इससे पहले कि और प्रॉब्लम हो जाए।
देखो गाइस यहाँ से ना हम लोग फाइनली अपने गाड़ी के क्लोज तो पहुंच ही गए हैं और कुछ बंदे सामने के साइड भी हैं तो इनको भी मारना पड़ेगा क्योंकि ना अगर हम लोग इन्हें छोड़ करके जाएंगे तो ये ड्राइवर का घर भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और बाकी यार अपना पीछा करके हमें भी मार सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हो भाई खतरनाक वाली फाइट हो रही है पूरी, तो जैसे तैसे ना इनको खत्म करना होगा। और बंदे बहुत ज्यादा यार सही में देख रहे हो गाइस बहुत ज्यादा ही बंदे हैं, लेकिन मैं और ड्राइवर गेम बजा देंगे इनकी। फिलहाल गाइस मैं ना इनको मारता जा रहा हूँ, लेकिन ना पीछे से गाड़ी आई, बंदे और आना शुरू हो गए हैं। और अरे यार उसको तो मैंने बिन बात की मार दिया है। तो काम करता हूँ मैं अपनी गाड़ी का, तो क्लोज हूँ मैं अभी बैठूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, तो इसका ना एक डोर ओपन कर दिया है हमने और जल्दी से ना। ओ भाई ड्राइवर की गोली लग गई है यार, तो देख रहे हो गाइस यार मेरा पूरा दिमाग खराब हो गया है और ड्राइवर को गोली लग गई है। तो एक काम करना होगा जल्दी से ना इनको मारता हूँ मैं। और सही में भाई ड्राइवर देख रहे हो यार उसके तो बहुत ज्यादा गंदी गोली मार दी, लेकिन बंदा हार नहीं मान रहा है, तब भी बैठ करके लेट करके अपने को बचाने में लगा हुआ है। और ड्राइवर भाई सही में खतरनाक बंदा है यार, अभी मेरे को ना एरिया क्लियर करके ड्राइवर को उठा करके लेके जाना चाहिए इससे पहले कि ये मारा जाए। खून बहुत ज्यादा गिर गया और वो ना जमीन पे खतरनाक वाले तरीके से लेट चुका है। एक मिनट, चल निकल इधर से। और कोई यहाँ है ना लेफ्ट साइड में किसी की चुल मच रही है, चल निकल इधर से। भाई पुलिस की आवाज भी आ रही है मेरे को, तो एक काम करता हूँ जल्दी से ना अभी स्टार्ट हो जा गाड़ी। हाँ भाई गाड़ी अपनी हो चुकी है स्टार्ट और ड्राइवर को ना जैसे तैसे लिटाते हैं गाड़ी में। फिलहाल तो गाइस इस टाइम पर मैंने ना ड्राइवर को लिटा दिया गाड़ी में और भाई ये पूरा बेहोश हो गया, गोली के निशान देख रहे हो बहुत ज़्यादा गोली लग गई है, वेस्ट उसने डाल रखी है तो शायद से मरा तो वो नहीं है। वैसे ड्राइवर ना मरे भाई, अपना बेस्ट फ्रेंड है ड्राइवर, भगाता हूँ गाड़ी को। ओके तो गाइस बंदे अब भी और आ गए थे यार, मैंने एक आधे बंदे को तो मार दिया है। तो फिलहाल हम लोग इधर से ना लेकर के निकलते हैं अपनी गाड़ी को यहाँ से सीधा एक क्लिनिक पे। और कुछ बंदे अभी भी क्लोज हैं भाई, जिन्होंने ना पूरा दिमाग खराब कर रखा है यार। अब मेरे को लग रहा है ना देखा जाएगा भाई, बालास की तो मैं बाद में गेम बजा करके रख दूंगा, आधे बंदे तो हमने मार ही दिए हैं इनके। फिलहाल गाइस अपनी ना मैं गाड़ी को लेकर के पहुंच गया हूँ एक क्लिनिक के बहुत ज़्यादा क्लोज जो है पलीटो बे में। और ड्राइवर को मैंने ना उठाने की ट्राई करी, लेकिन नहीं यार ये बेहोश हो चुका है पूरा। और देख रहे हो यार कैसे लात उसकी निकल रही है पूरी विंडो से, बहुत ज़्यादा गोली मार दी है, अपने शीशे वगैरह भी टूट चुके हैं और ये ऊपर से लेस्टर की गाड़ी है। लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं, पहले ना मैं जल्दी से अंदर चलता हूँ और अपॉइंटमेंट वगैरह ऐसी की तैसी तुम्हारी, पहले मेरे को अंदर जाने दो। यहाँ पर डॉक्टर कहाँ है यार? अबे भाई डॉक्टर को ढूंढने का एक अलग ही झमेला है। और ये पागल आंटी बैठी थी पता नहीं क्या कर रही थी, न जाने अकेली ही डांस कर रही है बैठ करके। अबे भाई डॉक्टर कहाँ है यार? एक तो मेरा पूरा दिमाग खराब हो रहा है, किचन में डॉक्टर थोड़ी होगा यार। यहाँ पर एक चीफ मेडिकल ऑफिस है तो इसके अंदर चलते हैं। खड़ा हो जल्दी भाई, जल्दी खड़ा हो, हमारा एक दोस्त है। ठीक है भाई, इधर अपने फ्रेंड को हमने यहाँ पर लिटा दिया ड्राइवर को और इसका इलाज वगैरह शुरू हो गया हूँ ना। खून बहुत ज़्यादा निकल चुका है जैसे कि आप देख रहे होगे और डॉक्टर वगैरह पूरे लगे हुए हैं क्योंकि ये एक एमरजेंसी है। तो ये बोल रहे हैं कि कहाँ लड़ाई करके आए हो, तो मैंने बोला सर एक्सीडेंट हो गया, लड़ाई तो हम लोग शरीफ से बच्चे हैं, हम लड़ाई कहाँ ही करेंगे। तो वो बोल रहा है कि पुलिस भी आ सकती है, FIR करेंगे। तो देखो यार अब ना हमें शायद से फाइन भी लग सकता है क्योंकि ना ये क्रिमिनल केस है एक तरह से, या तो जेल भी हो सकती है अपने को। तो ये लोग बोल रहे हैं कि हमें पहले पुलिस बुलानी पड़ेगी और फिर हमें यहाँ पर इलाज शुरू करना पड़ेगा। लेकिन मैंने उन्हें यार थोड़े बहुत पैसे दिए तो इलाज जैसे तैसे तो शुरू हो गया है। जल्दी काम करता हूँ, अपनी गाड़ी को ना यहाँ पार्किंग में पार्क करता हूँ और लेस्टर को ना एक बार सारी स्टोरी मैं क्लियर बताता हूँ कि बालास ने अपने ऊपर अटैक कर दिया है। और पता भाई लेस्टर हमें क्या करना चाहिए? देखो अगर मैं मिलिट्री को कॉल करूँगा, उनका काम हो गया भाई मिलिट्री का, प्रेसिडेंट भी अपनी मदद नहीं करेगा क्योंकि ना उन्होंने उनका एरिया उड़वाना था, उन्होंने एरिया उड़वा दिया है। तो एक काम करता हूँ जल्दी से लेस्टर को एक बार मैं कॉल करता हूँ और उससे पूछता हूँ कि बता भाई लेस्टर हमें क्या करना चाहिए, ड्राइवर की भी गोली लगी हुई है। ओके तो गाइस फिलहाल ना हमें पूरे एक घंटे हो गए लेस्टर से बात हुए और एक मिनट ये मैं क्या देख रहा हूँ, ओ भाई डॉक्टर ड्राइवर के पीछे है, ड्राइवर उठते ही भाग रहा है। और एक मिनट इसकी गोली तो कोई भी नहीं लगी है, शायद से ये वैसे ही बेहोश हो गया होगा। अरे सर अब वो हमारा फ्रेंड कुछ ऐसा ही है, हमें निकलना होगा। अबे भाई किसी की बाइक उठा करके भाग गया ये तो इधर से, अब पागल है क्या यार? एक मिनट भाई ड्राइवर बाइक लेकर के भाग गया, डॉक्टर उसके पीछे है और मैं उन दोनों के पीछे हूँ गाड़ी लेकर के। तो एक तो ना ड्राइवर की हालत भी बहुत ज़्यादा बेकार है क्योंकि जब मैं डॉक्टर के पास अभी खड़े हुआ था ना 2 सेकंड के लिए, तो ये बोल रहा था कि वो मरीज है भाई क्या या साइको है यार वो बंदा, अभी गोलियां निकली हैं, मतलब एक आधी तो उसके लगी थी, इन्होंने पूरा घाव वगैरह भर दिया है उसी टाइम उठते।
भाई पता नहीं कहाँ भाग रहा है। मेरे को लग रहा है कि बाला से ना पक्का लड़ाई करने के लिए जा रहा है। गुस्सा देख रहे हो किसी बंदे की बाइक चुरा करके भाग गया है। अपने लिए भी नहीं रुका है भाई। अब मेरे को लग रहा है ना ऐसी हालत में ये पक्का मर जाएगा यार, सही में बता दे रहा हूँ। और बाइक इतनी ज्यादा तेज भगा रहा है दिखाई नहीं दे रहा है। एक तो मेरे पास गाड़ी ऐसी है ना लेस्टर की, अपनी सुपर कार लेकर के आया था तो अलग बात थी, और वो क्या कट मार रहा है यार। एक काम कर लेना होगा मेरे को ना, जल्दी से अपनी गाड़ी को भगा करके यहाँ से निकल लेना होगा। अबे रुक जा, अबे गंजे में मारूंगा उतर के तेरे एक दो थप्पड़, रुक जा एक मिनट। देख रहे यार बाइक लेकर के भागता जा रहा है, मैं उसको हॉर्न वगैरह मार रहा हूँ लेकिन पूरा गुस्से में है यार, ये तो बाइक रोकने पे ही नहीं आ रहा है। ड्राइवर भाई एक काम कर, मिल करके बातचीत करते हैं, लेस्टर से भी मैंने बातचीत करी, अभी मैं टक्कर मारूंगा तो ये गिर जाएगा, और उतर के इसके पास वेपन भी होगा कि नहीं होगा अब मेरे को ये तो नहीं मालूम। और ये क्या काम कर दिया इसने, अबे भाई इसने मेरे से बचने के लिए एक्सीडेंट करवा दिया। और जल्दी जल्दी ना मेरे को यहाँ से अपनी गाड़ी को लेकर के चल लेना चाहिए क्योंकि नीचे की साइड था पुलिस वाला। अबे यार देख रहे हो यार ड्राइवर क्या दिमाग लगा रहा है, अब तो बहुत ज़्यादा फुल स्पीड में वो भाग गया इधर से एक्सीडेंट करवा के। देखो गाइज यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा खतरनाक सीन हो गया, मैं हूँ रेलवे ट्रैक पर और अब जल्दी से ना हाईवे पर अपनी गाड़ी को उतारते हैं क्योंकि ना आधे घंटे से ज़्यादा हो गया और न जाने पता नहीं अब ड्राइवर कहाँ जा चुका है। देख रहे हो यार उसने क्या खतरनाक वाला दिमाग लगाया, ऐसा कट मारा गाड़ी की उधर टक्कर हुई और मेरे को अपनी गाड़ी संभालते संभालते रेलवे ट्रैक पर चढ़ानी पड़ी। अब यार वो अपने हाथों से तो जा चुका है, अब पता नहीं वो कहाँ पर है, या तो अपने घर गया है या तो सीधा बालास के एरिया में गया है। अब मेरे को ये तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, अब मेरे को क्या करना चाहिए यार। ओ भाई एक मिनट, अगर मैं लेस्टर को कॉल करूँ और उससे पूछूँ कि ट्रैवर के मोबाइल की लोकेशन हैक कर तो शायद से वो कर ही लेगा क्योंकि ट्रैवर की तो उसने पहले भी लोकेशन हैक करी है ना। देखता हूँ एक बार। फिलहाल तो गाइस इस टाइम पर ना हमें लोकेशन पता चल गई है, लोकेशन है वेगास गैंग के एरिया में। लेस्टर ने अपने को बता दिया है, अरे यार मैं कैसे भूल गया, ट्रैवर वेगास का लीडर है और वो गुस्से में वेगास गैंग ही गया होगा। अब मेरे को लग रहा है ना वो भाई साहब पूरी सेना तैयार कर रहा है, और क्या गंदे वाला निकाला है मैंने बिना देखे। और एक मिनट ये ट्रैवर है ना, और राइट साइड में उसकी बाइक उल्टी पलटी पड़ी है, अरे भाई इसने तो इंजन ही उसका कर दिया है। देखो गाइस पता नहीं कहाँ किसकी बाइक उठा करके हॉस्पिटल से लेकर के भाई जंगली कुत्तों की तरह भागा है ना। अबे यार मैं क्या बोलूँ ड्राइवर का भाई, और ये तो पूरी सेना लेकर के खड़ा है, मेरे को लग रहा है ना भाई पूरा बालास भी अपने अंडर करेगा ये आज। अबे भाई ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक लेक्चर दे रहा है, और इसके पूरी बालास के बंदे अपनी गाड़ियाँ लेकर के रेडी हो रखे हैं। मेरे को लग रहा है ना गाइस बालास और वेगास की खतरनाक वाली जंग होने वाली है, जिस हिसाब से वो गुस्से में है। तो मैं काम करता हूँ, अगर ये लोग जाएंगे ना तो पक्का भाई बालास आज खत्म होगी या तो ट्रैवर आज मरेगा। तो मेरे को जैसे तैसे इनको कंट्रोल करना चाहिए। और ट्रैवर भाई मेरी पास, अबे भाई सबके गन लग रखी है यार, एक काम करना होगा ट्रैवर यार, ये तेरे तगड़े बंदे हैं मेरे को पता है भाई, ये शार्प शूटर्स हैं। तो ट्रैवर मेरी बात सुन, हमें ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए, लड़ाई झगड़े में अभी तो कुछ भी नहीं रखा है, मेरी बात सुन ले भाई ट्रैवर, लेस्टर की मदद लेते हैं हम लोग सब कुछ कर लेंगे, अगर तेरे दिमाग में तो जल्दी बता। फिलहाल तो गाइस इस टाइम पर ट्रैवर कह रहा माइकल अब मेरा बहुत ज़्यादा गंदा दिमाग हो गया है, मतलब यार गंदे से भाई मेरा मतलब ये है कि ट्रैवर पूरा चिढ़ चुका है और ये बोल रहा है कि चुपचाप जो मैं बोल रहा हूँ वो कर, लेस्टर गया भाड़ में पहले मैं अपने दिमाग से चलूँगा। ये अपने को बोल रहा है कि ना ग्रीन गैंग के एरिया में चलते हैं, उनसे कोलैब करते हैं, और इसने ना कुछ पैसे भी ले लिए हैं और बोल रहा है कि इन पैसों को मैं ग्रीन गैंग के बंदों को दूंगा और उन्हें बोलूंगा कि मेरे लिए एक काम करो भाई। लेकिन ना रिस्क वाला काम है, मैं अब भी बता दे रहा हूँ, बताऊँ क्यों गाइस, हमारी पहले फाइट हुई थी और ट्रैवर ने ही उनके ग्रीन गैंग का बंदा मारा था, मतलब उनका मेन लीडर ट्रैवर ने मारा था, और बाकी ना बहुत ज़्यादा खतरनाक तरह से ये और भी बंदे मार रहा था ट्रैवर। और देखो गाइस मेरे को तो देखते ही वो लोग गुस्से में आ जाएंगे, ट्रैवर को भी देखते ही वो लोग हमें पीट भी सकते हैं। अब रिस्क ले लिया है तो ग्रीन गैंग की एरिया में चलते हैं, अगर कोलैब हो जाता है तो बालास की तो हम लोग गेम बजा देंगे। ये तो गाइस गैंग वर्सेस गैंग का गेम प्ले हो गया, मेरे को तो लग रहा है भगाता हूँ गाड़ी को जल्दी से। फिलहाल तो गाइस इस टाइम पर ना मैं अपनी गाड़ी को लेकर के ग्रीन गैंग के एरिया में आ गया हूँ और यहाँ से ग्रीन गैंग के बंदे नजर आने शुरू ही हो गए होंगे। अरे भाई मेरे को डर लग रहा है सही में, डर वैसे इनसे नहीं लग रहा लेकिन ना बेइज्जती वाला काम है मेन। तो फाइनली हम लोग पहुँच तो गए हैं, अपनी टूटी फूटी गाड़ी को यहाँ पर पार्क भी कर चुके हैं। ड्राइवर मुंह मत बना, थोड़ा आराम से आ भाई, अब अंदर हम लोग बस उनसे प्यार से बात करेंगे, अगर वो लोग नहीं माने तो हम लोग बस यार आराम से बाहर आ जाएंगे ठीक है। अब मेरे को तो नहीं पता इनका लीडर भी है कि कोई नहीं है, एक बंदा चौड़ में फैला हो रखा है। और एक काम करता हूँ, यहाँ पर कुछ बंदे खड़े हैं, एक बंदा सामने है, ये इनका लीडर है क्या,
इस वाले बंदे से बातचीत करके देखूंगा। अगर ये बताता अपने को सीधे मुंह से, छोड़ो भाई वो तो फ़ोन में घुसा हुआ है, तो डायरेक्ट ना हम लोग इनसे पूछते हैं। सब लोग अपने को घूर रहे हैं भाई। ओके तो गाइस यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, इन्होंने अपने को ना पूल के अंदर धक्का मार करके पीटना शुरू कर दिया है। अब मेरा मन नहीं कर रहा इनको बिल्कुल भी मारने का, और अबे हटो यार मेरा मन नहीं है। अगर मैंने इनके ऊपर एक भी मुक्का मार दिया ना, सही बता रहा हूँ गाइस, ये लोग ना अपने को मारना शुरू कर देंगे, और गोलियों से वो भी मैं ब्लॉक करूंगा यार, मेरा मूड नहीं है भाई, नहीं लड़ना ना मेरे को तेरे साथ। मैं पहली अबे हटना इधर से, नहीं लड़ना मेरे को, मैं ब्लॉक करूंगा भाई, तू मुक्का मार के दिखा दे, इतना दम नहीं है बेटा, तू मेरे मुक्का मार देगा, मैं पूरा ब्लॉक करूंगा, मारने को मैं गाइस अभी मार सकता हूँ इसको, आपको पता है मेरे गुस्से का। लेकिन नहीं यार छोड़ो, देख रहे हो गाइस पूरी जान लगा दिया बेटे ने लेकिन मार नहीं पा रहा है। वाह भाई मुक्का दीवार में मार दिया है। अबे यार मेरे को एक काम कर लेना होगा, मेरे को ना इधर से चल लेना होगा। ठीक है भाई चलते हैं हम लोग, क्योंकि ना इनके मुंह नहीं लगने वाले, ये तो अपना कोई भी काम नहीं करेंगे। तो हम लोग फ्रैंकलिन और लमार को अगर लेकर के आए, क्योंकि ये लोग उनके फ्रेंड है ना। अबे हट, अब मैं मारूंगा भाई, अब मैं बाहर हूँ, कुचल के ऐसा चला जाऊंगा ना पता भी नहीं चलने वाला। बैठ भाई ट्रेवर, ये लोग नहीं मानने वाले। ट्रेवर भी देख रहे हो मुक्के खा के आया, मैं भी मुक्के खा करके आया हूँ, और मैंने ही ट्रेवर को मना कर दिया फाइट करने से। देखो ग्रीन गैंग छोटी नहीं है, सबसे ऊपर बालाज है, फिर ग्रीन है, और फिर वगॉस है। तो देखो गाइस ग्रीन गैंग में भी ना बहुत ज़्यादा बंदे हैं, इनके भी बहुत ज़्यादा पावरफुल वेपन्स हैं, और गोलियां भी बहुत ज़्यादा तगड़ी हैं इनके पास। इनसे फाइट करके कोई भी फ़ायदा नहीं है, हम लोग तो अपनी बेइज्जती करवा के आ गए हैं। तो लेस्टर को कॉल करता हूँ, उससे कुछ देखता हूँ करके। देखो गाइस फिलहाल तो ना इस टाइम पर मेन प्लान हमारा ये है, मेरी कॉल पर लेस्टर से बात हो गई है, तो लेस्टर ने भी वही बात बोली जो मैंने आपको बताई थी कि ग्रीन गैंग के मेन बंदे फ्रैंकलिन और लमार हैं। देखो फाइट तो उनकी भी ग्रीन गैंग से हुई थी अपने पीछे, तो लेस्टर ने अभी तो अपने को घर बुलाया है, वो कह रहा है कि ना देख हम ना एक काम करते हैं, लमार और फ्रैंकलिन की लोकेशन को हैक करने की पूरी ट्राई करते हैं। वो तो अपने मेंशन था, आपको पता होगा रिच मैन मेंशन। और यहाँ पर ना अब लेस्टर अपने पुराने घर पर आया क्योंकि उसके पास एक डिवाइस था जिससे ये हैक कर सकता है फ्रैंकलिन और लमार की लोकेशन। अब शायद से कर भी ली हो इसने, मेरे को नहीं पता। तो इसने अपने को बस कॉल करके कहा है कि मेरे पुराने घर पर आ जाओ, और कितने समय बाद हम लोग लेस्टर के पुराने घर पर आए हैं यार। अब जल्दी से हमें ना अंदर की साइड चल लेना होगा। अबे खोल दे भाई लेस्टर, एक तो ना इसको इशारा करो तब खोलेगा ये। फिलहाल तो गाइस यहाँ पर टूर हो चुके हैं अनलॉक, अब जल्दी से हम लोग चलते हैं अंदर। और लेस्टर कहाँ है, एक मिनट, लेस्टर कहाँ है भाई? ओ भाई ये रहा लेस्टर। और पहली बात तो लेस्टर यार, अगर तेरे पास कपड़े हैं तो कपड़े दे, एक तो ना मैं ड्राइवर को पूरे रास्ते लेकर के आऊँ नंगा। तो गाइस फिलहाल तो ना पुराने कपड़े पड़े थे लेस्टर के, ट्रेवर ने डाल लिए हैं। क्या बेकार सा बुड्ढा लग रहा है इस टाइम पर ट्रेवर, मेरे को तो ये लेडीज़ कपड़े लग रहे हैं फिलहाल। अबे नहीं 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 मेरे को मत घूर, बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है ट्रेवर, बहुत ज़्यादा खतरनाक लुक आ रही है तेरी, ऐसे कपड़े पाया कर मैं तो बोल रहा हूँ डेली। तो ठीक है गाइस इस टाइम हम लोग जा रहे हैं सीधा पहले अपने शोरूम पर, वहाँ से ना हम लोग एक गाड़ी उठाएंगे अपनी, क्योंकि ना यार ये जो गाड़ी है आप समझ रहे हो इसकी हालत क्या बेकार हो गई है, और शीशे वगैरह पूरे टूट चुके हैं, तो ये पूरा रिपेयर होगी। तो एक काम करता हूँ जल्दी से ना बैठते हैं अपनी गाड़ी में, और एक काम कर ड्राइवर बैठो भाई जल्दी से, हमें लमार और फ्रैंकलिन की लोकेशन तो थोड़ी बहुत पता चल चुकी है, और हम लोग डायरेक्ट उनकी लोकेशन पर जाएंगे, और वहाँ जा करके हम लोग ढूंढने की आज भी ट्राई करेंगे कि वो लोग वहाँ पर हैं भी हैं कि नहीं है। वैसे भी गाइस इस बार ना लेस्टर कह रहा है कि हम लोग उनकी लोकेशन को ढूंढ ही लेंगे, क्योंकि ना इसने अलग वाले मेथड से उनकी लोकेशन को ट्रेस करा है कि उनको नोटिफिकेशन कोई भी ना जाए, और चाहे उनके पास कोई भी हैकिंग वाला तगड़ा सामान हो वो लोग हमें डिटेक्ट ही ना कर पाए। तो देखा जाएगा भाई जैसा भी है, पहले तो फिलहाल ना इस टाइम पर मैं अपनी गाड़ी को लगाऊंगा शोरूम, और इसका जो पीछे बम्पर देख रहे हो वो भी पूरा हिल चुका है, और इसके इंजन से खतरनाक साउंड आ रहा है। ओके तो गाइस फिलहाल तो इस टाइम पर ना हम लोग अपनी गाड़ी को लेकर के अपने शोरूम के बहुत ज़्यादा क्लोज है। अब ये तो शोरूम जाकर ही पता चलेगा कि कौन सी वाली हम लोग गाड़ी उठाएं। मेरे को लग रहा है कि वहाँ पर कोई SUV गाड़ी हो या तो 3-सीटेड गाड़ी हो, तो हम लोग उसको उठा करके चलने वाले हैं। तो जल्दी से ना इसको हम लोग ना जल्दी ले जा करके पार्क करते हैं, और ये वर्कर बुला रखे थे मैंने, ये कहाँ ही कूद रहे हैं भाई। तो एक काम करता हूँ अपना ट्रक ना उठा लूँ आज भाई, बहुत दिन हो गए ट्रक तो मैंने उठाया ही नहीं है। तो एक काम करता हूँ गाइस अपना ट्रक उठाते हैं, और चीफ भाई मेरी बात सुन, फरारी का तो बोनेट रिपेयर हो रहा है, जो लास्ट टाइम बलास के धमाके में मिल गया था ना वो अभी हो ही रहा है। तो एक तो ना ये लोग बोलेंगे बाहर का इतना काम नहीं आता जितना ये घर का ही काम दे देते हैं, या भाई यार क्या करूँ भाई चीफ, अब इसको भी रिपेयर कर देना अगर पूरा ना मानो।
ठीक है भाई चीफ, ये अपनी गाड़ी तो पूरी रिपेयर हो गई है, लेकिन इसको मैं लेकर के नहीं जाऊंगा, अपने व्हाइट वाले ट्रक को लेकर के चलेंगे जो मिलिट्री के कर्नल ने अपने को गिफ्ट करा था। और कुछ कस्टमर आ रखे हैं, अपनी मस्टैंग देख रहे हैं यार। एक तो ना इसका रेट है जो, उसको देख करके कोई खरीदता ही नहीं है। मैं पता नहीं किस डॉलर में लेकर के आया था, फिलहाल तो मैं इसका रेट भूल गया हूँ। अगर आपको याद हो कि मस्टैंग हम लोग किस प्राइस में लेकर के आए थे, जरूर से आप लोग एक बार कमेंट करके बता देना। तो जल्दी से भाई लदो भाई ट्रक के अंदर हम लोग को, भाई जल्दी जल्दी चलो, अब हमें निकलना होगा इधर से, क्योंकि थोड़ी बहुत लोकेशन तो अपने को पता चल गई है और फाइनल लेटर अभी बता ही देगा। अब देखो गाइस, ये जो ट्रक है मिलिट्री के कर्नल ने बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से अपने को गिफ्ट करा था, जो कि मैंने एक बार चलाया है, लेकिन आज टाइम है इसको पूरा भगाने का। तो भगाते हैं इसे और लोकेशन देखते हैं। फिलहाल तो गाइस इस टाइम पर अपने को लोकेशन पता चल गई है, और जो लोकेशन है वो उसके हम लोग क्लोज हैं। और यहाँ पर ना कुछ लोकेशन बिल्डिंग्स की शो कर रही थी, तो हम लोग फिलहाल तो इस एरिया में आ गए हैं। ये एरिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, शिप्स के थ्रू यहाँ पर सामान डिलीवर होता है। अब पता नहीं, ओ एक मिनट, ये तो अपनी चेस्कोर चैलेंजर है ना। अबे भाई फाइनली ना अपनी गाड़ियाँ, इतने टाइम बाद अपने को पता चल चुकी हैं कि कहाँ है। और वैसे ना गाइस, यहाँ पर अपनी गाड़ी खड़ी है तो अभी ना फ्रैंकलिन ने इन्हें बेचा नहीं है, क्योंकि ना हमने फ्रैंकलिन की लोकेशन ट्रेस करी थी, और जो उसकी लोकेशन है ना यहीं कहीं की शो कर रही है, इसका मतलब वो यहाँ है। तो गाड़ी भी उसके अंडर ही हुई, तो गाड़ी ना वो यूज़ करता पर्सनल। अब मेरा सही में भाई बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है। ये लोग ना पूरे एक महीने पहले हमसे जेस्को और चैलेंजर लेकर के गए थे, और ना इन्होंने हमें फ़ोन करा, ऊपर से हमारी टीम ही छोड़ दी। अब सिक्योरिटी ना जाने पता नहीं किस बात की खड़ी है इधर। तो एक काम करता हूँ, कोई सिक्योरिटी वाले से बातचीत करूँ क्या, ये लोग तो देख ही नहीं रहे हैं। तो एक बार इससे पूरा ना पूछता हूँ कि हमें एक काम कर भाई, ये गाड़ियाँ कहाँ पर है, और देखो भाई इससे पूछ कर ही ना पता चलने वाला है। तो एक बार ना इनमें से किसी से बातचीत करता हूँ और पूछता हूँ कि गाड़ियाँ यहाँ पर क्या कर रही हैं, और फ्रैंकलिन और लमार कहाँ हैं। ओके तो गाइस, फिलहाल मेरी इस पद्दे से पूरी बात होगी, और मैं तो पूरा भाई पागल हो गया था इससे बात करके। और इसने अपने को ना थोड़ा आगे की साइड जाने को इशारा दिया है, ये कह रहा है कि आगे की साइड जाओ सब पता चल जाएगा, लेकिन तुम्हें अंदर परमिशन नहीं मिलेगी जाने की। अबे भाई मैंने बोला ऐसे कैसे नहीं मिलेगी बेटा, जिसकी तुम रखवाली कर रहे हो ना दोनों गाड़ियां ही मेरी हैं। तो ये मान ही नहीं रहे थे, ये कह रहे हैं कि लमार और फ्रैंकलिन बॉस की ये दोनों गाड़ियां हैं, और तुम तो गरीब से ही लग रहे हो। अरे भाई मुंह पे ही लोग बेइज्जती कर रहे हैं तो मैं क्या बोलूं। उसने ना अपने को बोला अगर तुम्हें कोई काम है हमारे बॉस से तो आगे तुम्हें दो बॉडीगार्ड दिख जाएंगे, जो कि अपने को दिख चुके हैं। अब चलते हैं सीधा इनके पास। और ये फ्रैंकलिन ने खरीद लिया क्या पूरा मेंशन, मेरे को लग तो नहीं रहा है, तो बातचीत करते हैं एक बार इनसे। भाई इन्होंने मेरा पूरा दिमाग खराब कर दिया यार, ये लोग अपने को परमिशन ही नहीं दे रहे हैं जाने की, अब ये लोग मरेंगे सही में। अब मैं गन निकालता हूँ और मारना शुरू करता हूँ, लेकिन एक मिनट, इसको फ़ोन आ गया इधर किसी का। देख रहे हो ड्राइवर कह रहा है कि भाई मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, लेकिन एक मिनट ये क्या है, इसने अपने को परमिशन दे दी अंदर जाने की। अब ये कह रहा कि सर आप अब जा सकते हो, अभी तो तू तड़के से बात कर रहा था, अब कह रहा कि सर आप जा सकते हो। मेरे को लग रहा है कि फ्रैंकलिन और लमार ने कहीं से अपने को ऊपर से देख लिया है, और उसने शायद से अपने को परमिशन दे दी होगी अंदर जाने की। अब मेरे को लग रहा है ना गाइस, ये जो पूरा अपार्टमेंट है या तो पूरी बिल्डिंग है, ये फ्रैंकलिन या लमार ने खरीद लिया है, लेकिन उनके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया यार, मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। अब एक काम करना होगा जल्दी से ना, एक सिक्योरिटी वाला है सेकंड फ्लोर पर, अपने को सेकंड फ्लोर पर जाना है। एक सिक्योरिटी वाला अगर अपने को दिखेगा तो वही है इनका रूम। तो यहाँ पर और भी रूम है जैसा कि आप देख रहे हो, पर अपने को जाना है सिक्योरिटी वाले रूम में, तो जल्दी से चलते हैं। लेकिन ना मेरे मन में डाउट है, मैं अभी सोच रहा हूँ फाइट नहीं करूँगा उनसे, पहले अपने डाउट क्लियर करूँगा, इतना पैसा उनके पास आ कैसे गया। अब उसने बोला था राइट साइड, तो ठीक है भाई सामने की साइड एक सिक्योरिटी वाला बंदा है कि एक वेटर खड़ा है, नहीं इन आंटी की बात नहीं कर रहा, ये जो बंदा खड़ा ना अपने को इशारे कर रहा है। ठीक है अब जल्दी से ना, मैं इसके पास तो आ गया हूँ, तो ये है क्या बंदा, इससे पूछते हैं एक बार। फिलहाल तो गाइस इसने अपने को परमिशन दे दी है अंदर जाने की, तो ये कह रहा है कि फ्रैंकलिन बॉस और लमार बॉस दोनों अंदर की साइड हैं। भाई इन्होंने कैसा बिजनेस शुरू कर लिया, मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आ रही है भाई। और घर तो बहुत ज़्यादा लग्जरी लग रहा है, देख रहे हो गाइस एक बेडरूम है इधर, जिसमें एक बेड है और कुछ LED TV है, और राइट साइड में भी नहीं है ये लोग, एक वॉशरूम है। अबे कहाँ पर है यार ये, एक मिनट कहाँ, अबे भाई ये लमार और फ्रैंकलिन यार, मेरा तो इनको पीटने का मन कर रहा है। और तुम लोग पागल हो क्या भाई, मेरी गाड़ियाँ लेकर के भाग रखे, ऊपर से टीम छोड़ दी हमारी, इनको पीटे क्या पकड़ के। एक बार इनसे ना पूरी बातचीत करते हैं प्यार से,
फिलहाल तो गाइज इस टाइम पर ना इन्होंने हमें शांत करवा दिया है। ये कह रहा है कि आजकल में हम तुम्हें कॉल करने लगे थे तो मैंने बोला कि मेरी गाड़ियाँ दो मेरे को, अभी मैं जा रहा हूँ। कह रहा है कि अगर आए हो तो डिनर वगैरह करके जाना, और माइकल जैसा तुम लोग काम करते हो ना, हमने उतने में उससे दुगना पैसा कमा लिया है दोनों ने मिल करके। इन्होंने कोई शिप्स का बिजनेस खोला है और बड़े बड़े माफिया उसमें ना शिप्स वगैरह लेने आते हैं, और ये शिप्स के साथ कुछ ड्रग का भी काम कर रहा है। कह रहा है कि अगर मेरे अंडर रह करके काम करोगे तो तुम्हें पैसा बहुत ज़्यादा मिलेगा, किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, चाहे कुछ भी ले सकते हो। क्लिन और लमार बोल रहे हैं कि काम करो, तुम तीनों आई गए हो तो आज हमारी डील देख लो, और डील बहुत ज़्यादा बढ़िया है, कम से कम पता नहीं क्या आ रहा 50 या 45 मिलियन डॉलर की इनकी डील होने वाली है। कुछ ड्रग्स आएंगे शिप्स के थ्रू, उसमें से इन्हें पैसा मिलेगा और ये लोग ड्रग्स देंगे, ऐसे ही कुछ बता रहे हैं, बाकी प्लान मेरे को भी मालूम नहीं है। अब देखा जाएगा गाइस, हमें ना थोड़ा बहुत वेट कर लेना चाहिए। बाकी अगर इन्होंने कोई चला के करी वेपन अपने पास आए तो दिक्कत कोई भी बात नहीं है। तो ठीक है गाइस, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जाकर के जरूर से लाइक कर देना, चैनल को भी जरूर से करो सब्सक्राइब, और जल्दी से भाई सब्सक्राइब लाइक कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय गाइस, लव यू ऑल।